तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने जीवन में बड़ा त्याग किया है, तुमने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिलवा दिया, लंका का राज्य विभीषण को दिलवा दिया, अपने लिए तुमने कुछ नहीं रखा। एक काम करो, मैं चाहता हूं कि आज मैं तुम्हें कोई नवीन पद प्रदान करूं। भरत जी, हनुमान जी सोचते हैं क्या? हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने फिर भी थोड़ा जिद किया कि हनुमान, क्यों नहीं चाहिए? तुमने जीवन में इतने लोगों को पद दिलाया है, आज मैं अपनी इच्छा से तुम्हें भी कोई पद देना चाहता हूं। और जब राम जी ने बार बार कहा तो हनुमान जी दौड़ के आए और भगवान के दोनों चरण कमलों को पकड़ के कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो इस मामले में मैं थोड़ा लोभी हूं। राम जी ने कहा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, देना ही चाहते हैं तो एक पद से काम नहीं चलेगा, मुझे दो दो पद चाहिए। और अगर आप वास्तव में कृपा कर रहे हैं तो ये दोनों अपने राम पद मुझे प्रदान कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, हनुमान ऐसी क्या विशेषता है मेरे इस पद में जो तुम उस पद को छोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु विशेषता ये है कि आपका पद पाने के बाद फिर कोई पद पाना शेष नहीं रह जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जिसे आपका चरण कमल मिल गया फिर कोई भी वस्तु उसके लिए शेष नहीं रह जाती। पर संसार के जो पद हैं, ये संसार के पद एक दिन छूट जाते हैं, और जब संसार के पद छूट जाते हैं तो उसमें भूत लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? जैसे कोई प्रधानमंत्री है, 5 साल बाद वो हट गया तो लिख जाता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार ये संसार के जो पद हैं ये एक दिन छूट जाते हैं, यद्यपि इस पद का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन एक ना एक दिन ये पद छूटते हैं, और जब ये पद छूटता है तो भूत लग जाता है। और मेरा तो नाम ही है हनुमान, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए मुझे अगर देना ही चाहते हैं तो अपने ये दोनों चरण कमल प्रदान कर दीजिए और मुझे किसी पद की कोई आकांक्षा